नमस्कार पशुपालक साथियों, सामने आप सरस्वती को देख पा रहे हैं जिसकी मिल्किंग हमने की 6 महीने की ब्याई हुई और 3 महीने की गाभिन भैंस 28 किलो से ऊपर दूध रिकॉर्ड करवाया। और बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे कि भाई आपने फीड में क्या दिया भैंस को। तो पवित्र भाई के डेयरी फार्म पे हैं और आज इनके यहाँ से वीडियो लेके आ रहे हैं, इन्होंने क्या पशुओं को खिला के जो है सरस्वती ने इतना दूध दिया। पवित्र भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो पवित्र भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई। अच्छा लग रहा होगा 28 किलो से ऊपर दूध भैंस का निकाल के 6 महीने के। सुरेंद्र भाई बाकी सबर तो नहीं आता, ये भैंस बीमार ना होती फिर थोड़ा और अच्छा निकालती, 29-29.5 किलो दूध। ठीक है, 6 महीने की ब्याई हुई भी। हाँ जी, हाँ जी। तो पवित्र भाई काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैंस को क्या खिला के जो है इतना दूध लिया है, बताइए। सुरेंद्र भैंस भी हरियाणा की है, तकरीबन इसकी डाइट भी सारी हरियाणा से आती है। अच्छा, सारी भैंसों की उधर से आती है। हाँ, जो अपने राम सिंह ताऊ है मुन्ना, उनका बेटा है। हाँ हाँ, और वो ही भिजवाता है सारी डाइट भैंसों की। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो तसले में डाल रखा है यही दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब इसमें क्या 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 है, कितना कुछ है, क्या डाल? सुरेंद्र भाई बनौले की खाल। हाँ हाँ। जैसे 20 किलो दाना पे होना है। हाँ हाँ। 7 किलो खाल। हाँ हाँ। 7 किलो 6.5 किलो खंडा। हाँ हाँ। 6.5-7 ही अपनी चूनी। ठीक है। अलग अलग मात्रा में तीनों चीज ब्यों देनी है। अच्छा। इसके बीच थोड़ा नमक डाल देना है, थोड़ा मीठा सोडा डाल देना है। नमक और मीठा सोडा बीच में ही दे देते हैं। हाँ जी, बीच ही दे देते। तो ये चने की चूरी है? ये चने की चूरी है। ठीक है, ये तो अपने वाले सेठ से आती है शायद। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से आती। ठीक है। और ये इधर चने का खंडा। हाँ जी। और ये जो है बिनोले की खल। हाँ जी। लगभग 7-7 किलो हो गया, तो 20 किलो दाना भी 20 किलो हो गया। थोड़ी इसकी मात्रा कम कर लो, चाहे 7-7 किलो पे दो, चाहे 5-5 किलो पे दो। हाँ जी। तो बीच में ये गुड़ और ये भी डाल रखा है तेल। गुड़ और सरसों की तेल की उट्टी। अच्छा, ये सरस्वती को। सरस्वती को गुड़ और सरसों के तेल की आउटी। हाँ जी। तो जैसे गुड़ को गर्म कर दिया, तेल डाल दिया, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया। हाँ जी, ज्यादा ना बनाओ, दो ही नाल होए। हाँ हाँ। उस मात्रा से तो अपने पशु को देके देख लो, जो गुड़ तेल को मानती है तो दूध बढ़ता है तो दो, लेकिन नहीं बढ़ता तो टाल कर दो भाई। हम तो सरस्वती की बात कर रहे हैं कि उसको क्या खिला के आपा दूध का निकाला, क्यों कई भाई देख के देने ना सब लग जाए। हाँ, मतलब सारे भाइयों को बोल रहा हूँ सुरेंद्र, कई भैंस जो उल्टा मानते हैं वो पीछे को भी आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, जो सरस्वती है ये तेल गुड़ को उठती है, अच्छा मानती है, बड़ा घना अच्छा मानती है। तो पवित्र भाई जैसा कि आपने बता तो दिया भाई ये आइटम है, तो अगर दाने की बात करें तो कितने किलो दाना लगभग सरस्वती को आप डेली का देते हैं? सुरेंद्र भाई वैसे तो भैंस रूटीन में दाना खाती है 14 किलो। हाँ हाँ। जैसे 14-14.5, जैसे लीवर लूवर टॉनिक दे के थोड़ा एक्स्ट्रा दूध चोना हो फिर 16-17 किलो दाना खा जाता है। 16-17 किलो दोनों टाइम में दाना खा जाती है। हाँ जी, दो टाइम में दे लो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके 4 टाइम में दे लो। हाँ, वैसे इसको दो टाइम में ही देते हैं। दो टाइम में ही देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि भूख की दवाई की आपने बात की, तो जैसे कि ये जो सारा सिस्टम आप दे रहे हो, हाँ, तो बहुत सारे भाई कुछ दवाइयाँ भी साथ में देते हैं, तो उसमें भी कुछ यूज करते हो आप? सुरेंद्र भाई लीवर टॉनिक हर एक प्रकार की देते हैं। हाँ हाँ। तो जे नाम ले दिया उधर कोई लोगों ने हो जाना है। हाँ हाँ। लीवर टॉनिक मनो एक दो चीजें देते हैं, कैल्शियम देते हैं। हाँ हाँ। तो बाकी कोई भी दूध बढ़ने वाली माड़ी मोटी चीज सब देते हैं। भूख की दवाई होगी? भूख की तो देती देते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। और इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए मीठा सोडा सही रहेगा मेरे ख्याल से? बहुत बढ़िया, ये एक नंबर की चीज है। ठीक। 50 ग्राम डालते हैं रोज। अच्छा, एक भैंस को 50 ग्राम डेली। हाँ जी। और नमक? 50 ग्राम ही नमक डालते हैं। देखिए पवित्र भाई ने बताया डाइट लगभग 16-17 किलो दाना खा के सरस्वती ने जो है ये दूध रिकॉर्ड करवाया। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि हमें फीड के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए कि सरस्वती क्या खाती है और इतना दूध देती है। 6 महीने की ब्याई हुई ने 28 किलो से ऊपर दूध रिकॉर्ड करवाया, ताज़ी ब्याई हुई भी बहुत अच्छे दूध पे थी। तो जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो फीड का शेड्यूल है ये हर पशु के साथ चेंज हो जाता है। पवित्र भाई के यहाँ और भी भैंसे हैं, तो जो भैंस जिस चीज़ को मानती है वो उस हिसाब से शेड्यूल जो है चेंज कर देते हैं, इसमें से कुछ आइटम घटा बढ़ा देते हैं। तो एक कॉपी इसको ना मार के अपने पशुधन को जाने
कि वो क्या खा के दूध देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पशु को जाने पहचाने, वो क्या खा के दूध देता है तभी उसको ये डाइट दें। लेकिन हम केवल और केवल ये फीड की वीडियो लेके आ रहे थे सरस्वती के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जो भी भाई जुड़े हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लें। नमस्कार दोस्तों।